बहुत पहले एक गांव में एक व्यापारी रहता था। एक दिन उसे काम के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ा था, पर उसके रास्ते में एक घना जंगल था। तब जंगल के अंदर चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक चुका था और इसलिए थोड़े देर तक आराम करने के लिए वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया था। थोड़े देर तक आराम करने के बाद उसे प्यास लगने लगा था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। तब उसने सोचने लगा कि काश मुझे थोड़ा पानी मिल जाता। लेकिन उसके बस ऐसा सोचते ही उसके सामने पानी से भरा घड़ा आ गया था। तब पानी पीकर वो तृप्त हो गया था। तब कुछ देर के बाद उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगा था। तब उसने मन ही मन सोचा कि काश मेरे पास एक थाली स्वादिष्ट भोजन होता तो फिर कितना अच्छा होता। लेकिन उसके ऐसा सोचते ही उसके सामने सच में एक स्वादिष्ट थाली से भरा खाना आ गया था। उसके बाद वो उसे मजे से जमकर खाया और खाने के बाद उसने मन ही मन सोचा, काश मुझे एक बहुत ही अच्छा बिस्तर मिल जाता तो फिर तो मजा आ जाता। तब उसके बस ऐसा सोचते ही उसके सामने एक बहुत ही अच्छा बिस्तर आ गया था। तब उस बिस्तर पर लेटने के बाद उसे ये एहसास होने लगा जैसा कि वो स्वर्ग में है, जहाँ पे उसका एक के बाद एक इच्छा पूरा होता जा रहा है। वो असल में ये जानता ही नहीं था कि वो जिस वृक्ष के नीचे लेटा था वो एक कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी कुछ सोचा जाएगा वो ही सच हो जाएगा। तब बिस्तर में लेटे लेटे वो सोचने लगा कि जंगल कई तरह के जंगली जानवरों से भरा हुआ है। कोई जंगली जानवर उस पर हमला करके उसका शिकार कर सकता है। तो फिर वो मन ही मन डरने लगा था। जैसे ही उसके मन में ऐसी सोच आया, एक सिंह वहां पर आ गया था। तब उस सिंह ने उसे मार कर खा गया था। इसी प्रकार से उसकी बस एक नेगेटिव सोच ने ही उसकी जिंदगी ले लिया। और इसलिए ही कहा जाता है, मनुष्य के जीवन की गति उनके विचारों से ही निर्धारित होता है। पॉजिटिव सोच हमेशा पॉजिटिव परिणाम के तरफ लेकर जाता है, और इसलिए हम सबको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। इस दुनिया के सारे शक्तियां हमारे अंदर ही है। जब हम लोग अपने आंखों में हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि कितना अंधकार है, तब सब कुछ अंधकार ही होता है। और खुशी भी एक ऐसी चीज है जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, और उसके साथ साथ हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।